कश्मीरी पंडित पर दर्शाई गई द कश्मीर फाइल हो या पठान और पद्मावती जैसी मूवी हो, इंडिया में मूवी का अराउंड कंट्रोवर्सी होते हम लोगों ने कई बार देखा है। कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया के सबसे लेटेस्ट स्टेट केरला में द केरला स्टोरी मूवी को लेकर। इसमें कुछ केरला के 32,000 लड़कियों के बारे में बताया गया है। दरअसल इस मूवी में निमिषा संपत, जो केरल की एक हिंदू लड़की थी, लेकिन 2015 में वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती है और अपना नाम फातिमा रखती है, और इसके बाद वह एक मुस्लिम लड़के के साथ निकाह करती है और दोनों कपल प्लान बनाते हैं कि वह किसी इस्लामिक कंट्री में बसेंगे, और दोनों ने सीरिया में बसने का प्लान किया। इन्होंने सीरिया में बसने का प्लान इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे ISIS का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैल चुका था और ISIS का टॉप कमांडर अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा संरक्षक मानता था। तो इन लोगों ने सोचा कि सीरिया सबसे बेस्ट प्लेस है जहां वे अपने इस्लामिक जिंदगी को जी सकते हैं। तो वे दोनों और उनके साथ कई सारे लोग इंडिया से सीरिया चले गए, लेकिन वहां जाने पर उन्हें जबरन ISIS में शामिल कर दिया गया। लेकिन जब USA और बाकी सारी कंट्री ने धीरे धीरे ISIS का खात्मा करना शुरू किया तो उसी में फातिमा का हस्बैंड भी मारा गया, और 2019 में फातिमा और उनके साथ कई सारे महिलाएं और बच्चों ने खुद को अफगानिस्तान में सरेंडर किया। और आज निमिषा संपत, जो अब फातिमा है, वो अफगानिस्तान की जेल में बंद है। और इसी निमिषा संपत की कहानी पर बेस्ट मूवी है द केरला स्टोरी।